स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर दी जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग रिलेशन निकाल के देखेंगे। देखिए जीरो का मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन दिया है अगर उस जगह पर आप उस वैल्यू को रखोगे तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 ये मेरा इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में हम 3 रख दें एक्स के जगह पर, या -1 रख दें एक्स के जगह पर, या -1/3 रख दे एक्स के जगह पर, तो वो वैल्यू मेरे को जीरो दे देगा। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं एक्स के जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 3x³ - 5x² - 3² -11 × x का मतलब 3 -3। तो देखो 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 27 × 3 करोगे तो 81 आएगा। माइनस 3 3 = 9 × 5 करो तो 9 5 = 45 आएगा। फिर -33 और फिर -3। अब देखो 81, अब ये तीनों को ऐड कर दो। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, तो जितना भी है माइनस में सब ऐड हो जाएगा। -45 -33 ऐड हो जाएगा, फिर उसको -3 के साथ फिर से ऐड करेंगे, तो इससे अच्छा कि एक ही बार उसको ऐड कर देते हैं। तो 45 को, 33 को और 3 को ऐड कर दो, 5 3 8, 9 10 11, 4 3 7 1 8, 81। सो माइनस में 81, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से एक्स का वैल्यू 3 रखने पे ये जो इक्वेशन है ये जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये सही है, वेरीफाई हो रहा है। अब दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं, अगर हम लोग एक्स के जगह पर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × x³ मतलब -1³ -5 × x² मतलब -1² -11x का मतलब -1 -3। तो ये हो जाएगा, देखिए -1³ तो -1 ही होगा, सो -3, और -1² + 1 हो जाएगा तो -5 बचेगा, और यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा -3। अब देखो -3 -5 -3 इन तीनों को ऐड कर दो तो 5 3 8, और 8 और 3 11, तो -11 बचा और पहले से +11 था, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन जो है तुम्हारा, वैल्यू अगर -1 रखते हो या फिर वैल्यू तुम 3 रखेंगे या -1 रखेंगे या -1/3, तो ये वैल्यूज मेरा जीरो हो जा रहा है, तो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट एक और देख लेते हैं कि अगर हम लोग एक्स के जगह पर सपोज करिए एक्स के जगह पर हम लोग -1/3 रखते हैं, सो इक्वल टू 3x³ मतलब -1/3³ -5x² मतलब -1/3² -11x का मतलब क्या, -1/3, फिर -3। देखो 3 × ये -1/3³ क्या हो जाएगा, -1/27 -5 × देखो -1/3² क्या हो जाएगा, वो +1/9 -11, और इधर -1/3 भी था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा × 1/3, फिर -3। अब ये 3 × 9 बार में कटेगा तो ये आएगा -1/9, और यहाँ पे -5/9, और यहाँ +11/3, और यहाँ -3। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 9 होगा, यहाँ -1 -5 +11 और -3, 9 3 = 27। एक मिनट, यहाँ 11 नहीं होगा बल्कि 33 हो जाएगा, बिकॉज इसके नीचे 3 था, सो 33। तो अब देखिए आप यहाँ पे -5 और -1, -6 हो गया, और इधर -27 है, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा, -33। सो -33 और +33/9, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने वेरीफाई कर दिया कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x के जगह पर 3 रखते हैं, या -1 रखते हैं, या -1/3 रखते हैं, तो ये जीरोज हो जाता है। ठीक है, ये जीरोज है इस इक्वेशन का। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
तो अगला पार्ट हमारा ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए, अगर कोई एक नॉर्मल पॉलिनोमियल, जैसे हम लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d, ये एक मान लो कि थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनोमियल हमने माना है और इसमें अल्फा बीटा गामा इसके तीन जीरोज हैं, तो सम जो होता है, जीरोज का जो सम होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर जो प्रोडक्ट है एक एक करके, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये होता है तुम्हारा c/a, और जो अल्फा बीटा गामा ये तीनों का प्रोडक्ट होता है, ये होता है -d/a, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा गामा इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो इनका सम होगा -b/a, दो दो का प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो c/a, और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट करेंगे तो -d/a। तो देखो, यहाँ पर इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, और इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो 3 + -1 + -1/3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 - 1/3। एलसीएम ले लेते हैं तो 3 - 1 2 था, और 2 × 3 6 हो जाएगा, या 3 3 = 9 - 3 - 1 कर दो ऐसे, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5/3, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करें तो कितना आएगा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा 3 × -1 प्लस बीटा इंटू गामा हो जाएगा -1 × -1/3 प्लस, तो गामा अल्फा जो है वो हो जाएगा -1/3 × अल्फा का वैल्यू 3। अब देखो, 3 × -1 - 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, और 3 और 3 कट गया तो -1। फिर से एलसीएम ले लेते हैं तो 3 3 = 9, 1 - 3, तो 9 और 3 12, 12 में से 1 गया 11, सो -11/3। ये आ गया अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब अगर अल्फा बीटा गामा निकालते हैं तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 3 × -1 × -1/3, ये कट गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +1। अब इसको वेरीफाई करना है कोफिशियंट वाला फॉर्मूला से। देखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो ये है, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लिखते हैं पहले, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, px = 3x³ + -5x² + -11x + -3। थोड़ा सा बस अंतर ये है कि माइनस को एक साथ लिख के हमने लिखा है इसको। अब इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, तो तुम्हें दिखेगा कि ए के जगह पर 3 है, बी के जगह पर -5 है, सी के जगह पर -11 है, और डी के जगह पर -3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो -b/a करेंगे, तो -b/a का मतलब क्या हो गया, -5/3, सॉरी -1 मिनट -b/a करना है, तो -b/a, b का वैल्यू -5/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/3 आएगा, सही है, वेरीफाई हो गया। दूसरा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको क्या करना है, c/a, तो c कितना है, -11, और a कितना है, 3। तो देखो, ये -11/3 सही है, ये भी वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा गामा कितना, 1 है, और इसका फॉर्मूला क्या, -d/a। सो -d/a करेंगे अगर, -d/a, तो -d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 3, -3 / a का वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 कट गया, 1 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।